लाभ ले रहे हैं। हमने कल भी कथा में कहा था कि कथा का आयोजन लेने वाले कई यजमान ऐसे होते हैं जो कि वो कथा का आयोजन ही पितृपक्ष में लेना चाहते हैं। कथा का आयोजन ही वो पितृपक्ष में लेना चाहते हैं। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं शिव तत्व हमें जो प्राप्त हो वो भगवान देवद्रय महादेव की कृपा और साथ में पितरों की कृपा आप और हम पर बनी रहे। चौबीस हजार श्लोकों की ये शिव महापुराण है। चौबीस हजार श्लोकों की इस शिव महापुराण में से चौबीस हजार श्लोकों की इस शिव महापुराण की कथा में से एक अंश मात्र चौबीस हजार श्लोकों की इस शिव महापुराण में से एक अंश मात्र अगर हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, मात्र एक अंश बहुत उतना। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो यहाँ तक कहता है, गला पकड़ रहा है, खींचने में आ रहा है उसको। शिव महापुराण की कथा यह कहती है, भगवान शंकर की कथा यह कहती है, आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है कि जैसे कोई कथा सुनकर जा रहा हो, कोई कथा श्रवण कर कर जा रहा हो और उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए, उसके चेहरे का भी दर्शन हो जाए, कथा सुनकर जाने वाले के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो शिव महापुराण उसका भी कल्याण कर देती है। अभी हमारे आमदार जी माननीय सुहास अण्णा जी कांदे कह रहे थे कि कल अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो 4.5 से 5 लाख लोग कल कथा के पंडाल में थे, पर यदि इन भक्तों का सैलाब देखा जाए तो लगभग 6 से 7 लाख लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। बाहर ग्राउंड में, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, छाँव के नीचे बैठकर, वृक्षों के नीचे बैठकर, जहाँ जहाँ जी जिसको जगह मिल जाती है वो वहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा क्या है? शिव पुराण है क्या? शिव महापुराण है विश्वास, शिव महापुराण है भरोसा। शिव महापुराण है हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा। जब हम भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठते हैं, शिवालय, देवालय या कथा के मंडप में जाकर बैठते हैं, तब हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। चिंता क्या देती है? चिंता और चिंतन
इन दोनों में अंतर है। आप यहाँ बैठकर भगवान शंकर की चिंतन कर रहे हैं, आप यहाँ बैठकर भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हैं, घर पर जितनी देर रहते हैं परिवार की, नातों की, रिश्तों की, कुटुंब की, कबीले की चिंता हमें व्याप्ती रहती है, लगी रहती है। यहां जब तक बैठे हो भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हो, चिंता और चिंतन दोनों में अंतर। पंडाल में बैठकर, मंदिर में बैठकर, देवालय में बैठकर, शिवालय में बैठकर, भगवान शंकर की भक्ति में बैठकर, शिव महापुराण में बैठकर अपन जब भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा भीतर का जो डिप्रेशन है, हमारे भीतर का जो टेंशन है, हमारे भीतर का जो कहीं ना कहीं अहमता है, हमारे भीतर की कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हैं, वो निकल जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। चिंतन करने पर हम भगवान शंकर का बैठकर जब चिंतन कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा का स्मरण कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण कर रहे हैं, तो हमारा भीतर का जो भी थकान है, डिप्रेशन है, कहीं टेंशन है, वो समाप्त हो जाता है। और चिंता, चिंता का काम क्या है, हमारे शरीर को थका दे। चिंता हमें डिप्रेशन में लाकर छोड़ देती है, चिंता हमें थका देती है, चिंता हमें एकदम निचोड़ सी देती है। चिंता थका रही है, चिंता हमारे भीतर थकान उत्पन्न कर रही है, चिंतन हमारी थकान को दूर कर रहा है और चिंता हमें थका रही है। हम आपसे पूछे, जितनी देर आप लोग कथा में बैठे हो ना, जितनी देर कथा के पंडाल में, मंडप में बैठे हुए हो, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, गाड़ी के साइड में, जहां तुम्हारे को जगह मिल रही है वहां आप अगर बैठे हुए हो, जहां आप लोग बैठे हुए हैं वहां आप जितनी देर कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा का आनंद ले रहे हैं, उतनी देर आप चिंता से मुक्त हैं। सारी व्याधियों से आप दूर हैं, सारी चिंता से आप दूर हैं। चप्पल पहने घर चले गए, घर पर जितनी देर बैठे, घर पर जितनी देर रहे, जितना समय घर पर दिया है उतनी देर आप जितनी देर घर में बैठे हो, कहीं बेटों की, कहीं बेटी की, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, इन सब की चिंता व्याप्ती रहे, इन सब की चिंता व्याप्ती रहे। और चिंता कर क्या रही है, चिंता का काम क्या है, चिंता क्या करती है, चिंता का एक सबसे बड़ा कार्य है चिंता का, कि चिंता डिप्रेशन के साथ थकान देती है, थका देती है। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है ना, जरा जरा सी बात में थक रहा है, जरा जरा सी बात में थकान उसको उत्पन्न हो रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, उसको थकान लग रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, तो ये याद रखना कि उसको चिंता बहुत।
शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि आप कैलाश पर्वत नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप कैलाश नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप केदार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप अमरनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप कैलाश मानसरोवर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती आप भले कैलाश पर मत आओ, पर एक काम करो, मैं कैलाश पर रहता हूँ तो मेरा नाम लेकर अपने दिल को कैलाश बना लो। मतलब कैलाश से क्या मतलब है कि अपने मन को ठंडा बना, कैलाश का मतलब है अपने मन को शीतल बना लो, कैलाश का मतलब है अपने मन को शांत बना लो। अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा शीतलता दीजिए। कैलाश पर बैठने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आप अपने घर पर रहो, खेती में काम करो, परिवार को संभालो, कुटुंब में रहो, जो भगवान ने आपको काम दिया है वो कार्य करिए। आज हम भरतवाड़ा गए थे, मनवाड़ गए थे, और वहाँ हमने बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की शिवरात्रि के दिन वहाँ जो आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे जी, सो अंजुमताई सुहास जी कांदे जी 55 साल से जो पानी की व्यवस्था के का, आज हमको हम किसी से पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि गुरुदेव ये क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में पानी की इतनी कमी थी कि लोग इस क्षेत्र को, कई किसान कई बहन भाई इसको छोड़ छोड़ कर लोग नासिक चले गए, कोई दूसरे दूसरे गांव चले गए। आज जब हम गए वहां पर हमने देखा कितना सुंदर मशीनों के द्वारा पानी खींच कर लाकर एक जगह स्टोर करना, और स्टोर कर कर फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे नांदगांव और पूरे मनवाड़ क्षेत्र में घर घर तक किसानों तक वो पानी को भेजना, ये बाबा देवाधिदेव महादेव का ही कोई भक्त कर सकता है, इसके सिवाय नहीं कर सकता। मैं माननीय आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, स्वंजुमताई जी को भी बधाइयाँ देता हूँ कि ये व्यवस्था जो दी गई है, जो लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे दूसरे, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ, दूसरे दूसरे गांव जा रहे थे पानी के चक्कर में, और आज भगवान शंकर के ही कोई भक्त, हम तो कहेंगे शिव का ही आप भक्त का रूप धरकर भगवान शंकर की ही गंगा को खींचकर इस नांदगांव वासियों के लिए लेकर आ गए, उसके लिए साधुता है आपको, उसके लिए साधुता है। दिए में और अगरबत्ती में एक बहुत बड़ा अंतर है। बोलो रे मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? दीपक में, दिए में और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर तुम में से, हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि अगरबत्ती को फूंक मारकर कोई बुझा दे। बुझाएगा जम के तो बोलो जरा। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि अगरबत्ती महकती है, और जो दुनिया में महकता है उसको बुझाया नहीं जा सकता। दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हो, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि अगरबत्ती महकती है। अन्ना जी आपको साधुता है, आप जो इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए जो ये कार्य कर रहे हो, खूब आगे बढ़कर कार्य कर रहे हो, आप ऐसे महकते रहे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुझा सके, फिर आप महकते रहो। और आपसे भी निवेदन है कि आप
दीपक बनो मना नहीं, प्रकाशित हो मना नहीं, पर साथ में अगरबत्ती जैसी महक रखी। अगरबत्ती को बुझाना साधारण नहीं है, अगरबत्ती को बुझाना कोई साधारण विषय नहीं है। दीपक को तो कोई भी फूक मार देगा, दिया तो कोई भी फूक देगा, दीपक को तो कोई भी फूक मारेगा और बुझ जाएगा, पर अगरबत्ती, अगरबत्ती महकती है, दुनिया को सुगंध देती है। आप अपने लिए और दुनिया के लिए, दोनों में अंतर है कि अपने लिए बाद में जियो, पहले प्रयास करो कि हमारे नज़दीक में अगर कोई भूखा है, प्यासा है, हमारे घर के पास में कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए भी थोड़ा जीने का प्रयास करो, और वो सुखी है ना तो आप सुखी हो। हमारा सनातन धर्म कहता है घर में बनने वाली एक रोटी हम गौ माता को देते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है हमारे घर में बनने वाली एक रोटी हम कुत्ते को देते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है हम एक रोटी हम किसी ना किसी रूप में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षी को देते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है हम रोटी का टुकड़ा टुकड़ा कर कर चींटियों को देते हैं। क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं? किस लिए दिया जाता है? वो देने का कारण क्या है? क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं? कभी विचार करा आपने, कभी सोचा आपने कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? कि उसका एक कारण है कि गौ माता हमें शीतलता का पाठ पढ़ाती है, गाय हमें नम्रता का, शीतलता का पाठ पढ़ाती है। स्वान को, कुत्ते को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि वो वफादारी का हमें पाठ पढ़ाता है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक भी कि किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, संगत का असर जल्दी आता है। हम कहते हैं अगर संगत का असर आता है तो संगत का असर दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी संगत में पड़े हो, किसी बेवड़े की संगत में पड़ गए तो तुम बेवड़े हो गए, किसी जुआरी की संगत में पड़ गए तुम जुआरी हो गए, किसी गलत व्यक्ति की संगत में हो गए तो गलत हो गए। तो हम कहते हैं संगत, आज के ज़माने में हम कहते हैं गौ माता की संगत करोगे तो गौ जैसी शीतलता लेकर आओ। और अगर आप मान लो कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते की संगत में दे रहे हो, तो कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तो लाओ। संगत का अगर असर करना है तो गौ माता जैसे गाय के साथ रहो तो शीतलता लेकर आइए। किसी परिंदे को, किसी पक्षी को तुमने पाला है, किसी परिंदे को अपने पास रखा है, किसी परिंदे की सेवा करो, किसी परिंदे को पिंजरे में रखा, किसी परिंदे की सेवा में लगे हो, तो परिंदे को देखकर अगर परिंदे की संगत कर रहे हो तो उस परिंदे से सीखो। कि वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ान भरता है और आखिरी में उड़ने के बाद वापिस घूम कर यहां आकर बैठ। परिंदा हमें बता रहा है कि शीतलता पाने के लिए, मन की शीतलता के लिए तुम उड़ो, मना नहीं, बहुत ऊंचे उड़ो, पर उड़ने के साथ में थोड़ा अपने लिए भी जियो, अपने लिए आनंद के साथ जियो, थोड़ी शीतलता अपने भीतर। चींटियां कह रही हैं कि देखो हम क्रम में चलते हैं। चींटियां कैसी चलती है? लाइन में, एकदम क्रम में चलती हैं। चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटा चींटी, ये सब क्रम में चलते हैं, सब लाइन में चलते हैं, सब क्रम में जा रहे हैं, सब लाइन में जा रहे हैं। चींटियां हमें सीख देती है कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। चींटी अकेली नहीं चलती, अकेली चलती है तो भटक जाती है, चींटी अपने क्रम में चलती है, लाइन से चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है वो,
सबको क्रम में लेकर चल रही है वो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सबको क्रम में लेकर चलना पड़ता है साथ साथ। और शंभु शरणे मांगूं घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन हो शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन। भगवान शिव की कथा कर रही है, हमें जीने की एक राह। आप महकी है, आप दुनिया के लिए एक आनंद का विषय है। परमात्मा ने अगर आपको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है, तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जन्म लेकर तो लोग आते हैं, फिर मर कर चले जाते हैं। जिए और मालूम पड़ा फिर मर गए, जन्म लिया फिर चले गए, जन्म लिया फिर चले गए। मृत्यु और जन्म ये दोनों चलते रहते हैं। जन्म और मृत्यु का प्रपंच चलता रहता है, पर मृत्यु सागर में जन्म लेने के बाद अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो। मृत्यु सागर में अगर जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि चिंतन और चिंता ये दोनों एक अलग विषय हैं। चिंतन अर्थात हम जहाँ बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि चंद्र नाड़ी को मजबूत बनाना है, चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या था उसका, केवल आप लोगों ने कल कथा में सुना और आप लोगों ने विचार करा कि चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या है। हमारी भीतर आ रही नेगेटिव ऊर्जा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, हमारे भीतर जो नेगेटिवता आ रही है, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे पांव में चोट लग गई, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मुझे चार दिन से खांसी चल रही, कहीं बड़ी बीमारी ना आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मतलब अपने लिए भी गलत सोच रहे और दूसरे के लिए भी गलत सोच रहे, ये नेगेटिवता आपके भीतर। और आज के जमाने में यहां जितने बैठे हैं ना, इसमें से कम कुछ नहीं कहूं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने ही प्रति नेगेटिवता आ जाती है। जितने कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिवता आ जाती है कि मेरे पांव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पांव में, हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए। कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात, कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुड़िया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिवता सोच रहे हैं। अपन घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत। मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिवता सोच रहे हैं, उसके लिए हमारे को क्यों, क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कल कथा में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविता आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी। और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहां पर 10 साल का है, जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके शरीर में।
हर 15 दिन में उसके शरीर में ब्लड डाला जाता है और 15 दिन में ब्लड वापिस बेकार हो जाता है, फिर 15 दिन में ब्लड डालना पड़ता है। ऐसा वो बच्चा 10 साल का हो गया और उसका ब्लड का सर्कुलर बस हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाओ, हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाने ले जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ ब्लड चढ़वा, हॉस्पिटल लेकर जाओ ब्लड चढ़वा। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से 10 साल का हो गया और उसको ब्लड चढ़ते चढ़ते हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है। उसका पत्र एक आया, मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर, मैं नांदगांव से हूँ, नांदगांव का रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाबू आया है क्या साथ में, लिया उसको लिया। मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर है, मैं नांदगांव का रहने वाला हूँ, मेरा बेटा 10 साल का है, जन्म लिया उस दिन से उसके शरीर में ब्लड देना पड़ता है, हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है, खून चढ़ाते चढ़ाते हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, खून चढ़वाते हैं, पर गुरुदेव उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टरों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और ये खून चढ़वाना ही पड़ेगा। हम लोग आखिरी में क्या करें, तब हमने 2019 में पहली बार आपकी कथा सुनना चालू करी और 2019 में कथा सुनना चालू करी, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ा कर लाती, अपने बेटे को दे देती, उसको बेलपत्र खाने को देती, पानी चढ़वाती और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा एक बोतल भी उसको खून चढ़ाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से वो ठीक है। आ जा बेटा, श्री शिवाय 10 साल का बेटा है, जन्म लिया उस दिन से ब्लड चढ़ रहा है, 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, जल चढ़ाकर बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को देती। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने हमारे बच्चे को ठीक करा और उसको अब ब्लड नहीं चढ़ता। गुरुदेव आज हमारे नांदगांव का इतिहास रच गया, हमको इतनी खुशी है, इस नांदगांव में मालेगांव कथा हुई, 40 गांव कथा हुई, पर यहाँ नहीं हुई थी हमारे माननीय आमदार साहब और ताई के कारण आज हमें नांदगांव में 7 दिवसीय कथा सुनने को मिल गया। हमारे आमदार और ताई को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं क्षेत्रवासी कि उन्होंने हमारे लिए ये कथा करवाई, उसके लिए साधु। एक शिव तत्व है, एक फोटो बहुत अच्छा बनाया है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को जरूर दिखाएं जरा, इस बच्चे का जिसको खून चढ़ता था जन्म से लेकर 10 साल तक, इस फोटो को आप लोग देखेंगे तो इस फोटो में दर्शाया गया है कि बच्चा हॉस्पिटल में पलंग पर पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और माँ शंकर को जल चढ़ाई है और उस जल का भाग उस बेटे को बोतल के रूप में मिला और वो बेटा ठीक हुआ। आस्था चैनल पर लोगों ने दिखा दिया, मैं एलईडी वालों से कहूँगा, एलईडी का कैमरा कहाँ लगा हुआ है, एलईडी वाले अपने कैमरे से इस फोटो को दिखाओ, ले जाओ एलईडी वाले, एलईडी का जहां कैमरा लगा हो उनसे निवेदन है इस फोटो को दिखाओ एक बार। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब एलईडी पर देखिएगा उसको, कि बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और माँ शंकर को जल चढ़ा रही है और वो जल का भाग उस बेटे के ब्लड पर जा रहा है, ये शिव साधुता है। मेरे को बहुत बहुत साधुता आप सभी को, और तेरी कृपा बिना ना हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में अजाना कुबेर का गंग भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू क्या नहीं देता चिंता त्याग कर चिंतन की ओर जब हम बढ़ते हैं चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर अग्रण्य होते हैं चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं तब मेरा शिव मेरा ओघड़दानी मेरा शंकर मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी मेरा अविनाशी शिव हमारा हाथ पकड़ता जरूर है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है चिंता थकाती है अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है पर चिंतन थकाता नहीं है चिंतन हमें हमारे डिप्रेशन से हमारे टेंशन से हमारी चिंता से मुक्त कर देता है सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा सारी समस्या का हल एक लोटा जल आज उस माँ से पूछो जिसका बेटे को जन्म से ब्लड चढ़ता हो 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो आज उस माँ से पूछो कि हर 15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो और एक लोटा जल 2019 से उसने कथा सुनी और 2019 से कथा सुनी और बाबा को जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना चालू करा तो बाबा ने हाथ भी पकड़ा थोड़ा समय लगता है फाइल मोटी है कटने में समय लगेगा जो शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है और आज भी भटक रहा है जो शिव को नहीं पहचाना ना वो भटक रहा है जो भगवान शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है और जो शंकर को पहचान गया जो शंकर को जान गया जो शिव तत्व को जान गया जो शंकर को जान गया जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को पहचान गया जो शिव तत्व को जान गया जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया फिर वो भटकता नहीं फिर वो भटकेगा नहीं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया जो शिव जी की अविरल भक्ति को पहचान गया जो शंकर की अविरल भक्ति को जानता है फिर वो भटकता नहीं शिव को जानने वाला वो भटकेगा नहीं कल हमने कथा में कहा था अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण इन दोनों को समझने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है अच्छे व्यक्ति को और शिव महापुराण को समझने वाला ही समझ सकता है वरना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता अच्छे व्यक्ति को समझना बड़ा भारी है जो आपके लिए दिन रात आगे बढ़कर काम करे जो दिन रात आपके आगे बढ़कर आपके लिए सहयोग करे जो दिन रात आपके लिए खड़ा रहे जो दिन रात आपके लिए समर्पण रखे जो दिन रात आपके लिए 24 घंटा काम में लगा रहे आपके परिवार का व्यक्ति हो आपके क्षेत्र का व्यक्ति हो आपके नगर का व्यक्ति हो आपके कॉलोनी का व्यक्ति हो या आपके घर का व्यक्ति हो अगर आपके लिए 24 घंटे लगा है ना आप उसको जानोगे नहीं आप उसको हल्के में लोगे आप उसे समझ नहीं पाओगे आप उसे जान नहीं पाओगे अच्छे व्यक्ति को समझना और शिव महापुराण को समझना बड़ा कठिन विषय भगवान शंकर को जानना बड़ा कठिन विषय है कौन जानेगा कौन पहचानेगा एक पत्र है
मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की निवासी हूँ, मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो। और अगर बच्चे आए हों तो दोनों बच्चों को लेकर भी आ सकती हैं, नहीं आए हों तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी सोनीतू ठाकुर MS जो एक डॉक्टर है, गुरुदेव मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी शादी बीस फरवरी 2018 को हुई। गुरुदेव मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं। 4 साल हो गए संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव सारे ट्रीटमेंट उन्होंने करे, सारी दवाइयां ली, सारी जांचें कराई, पर गुरुदेव संतान का सुख नहीं आया। तब हमने निर्णय लिया कि गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में बैठकर अगर कथा को श्रवण करा जाए और पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है उसके बाद मौन होकर बाबा से अगर कुछ मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। हम हमारी बेटी को लेकर, दामाद को लेकर मालेगांव कथा में पहुँच गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा में एक दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से मांगा और बाबा ने ऐसी कृपा करी 23 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हमारे विधायक महोदय अन्ना जी को एवं ताई को हम धन्यवाद देते हैं कि हम शायद कभी भी आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे जो आपने हमको यीशु महापुराण की कथा दी है, शिव तत्व की प्राप्ति। अगर बच्चे आए हों तो दोनों को ला सकते हैं, यहाँ पर लाएं, बच्चे ला रहे हैं, हाँ ले आइए, आ जाइए। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुना लेते हैं। हरिओम में ओम समाया मेरा भोला। अरे नगर तो लिखा ही नहीं था उनने, मेरा भोला नांदगांव आया। शिव तत्व है शंकर, कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है, और हम निवेदन करेंगे 2 तारीख तक कथा यहां है, 5 तारीख से कथा हापुड़ में नेशनल हाईवे 9। JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में वो कथा चालू होगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो हापुड़ के आसपास के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, एक बार मौका मिल जाए आपके क्षेत्र को कथा श्रवण करने का तो जरूर सुनो, श्रवण करो। एक कथा में है क्या, और आपसे कोई पूछे कि शिव महापुराण की कथा आप सुनने के लिए जाते हो, शंकर भगवान की कथा में पहुंचते हो, शिव महापुराण सुनने के लिए पहुंचते हो, भगवान शंकर के पवित्र प्रांगण में पहुंचते हो, पंडाल में पहुंचते हो, कथा सुनने के लिए पहुंचते हो, आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त हो? आपको क्या मिल रहा है? आ जाइए। कथा सुनने के 3 महीने बाद जरूर जाकर बताना कि हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे भोले बाबा ने मुझे नांदगांव में क्या दिया है, क्या दिया।
अभी बेटी दामाद और बच्चे आए नहीं, यहाँ पर बच्चों का फोटो भेजा है, मैं आस्था चैनल वालों को कहूँगा कि दोनों बच्चों का फोटो अवश्य देखें। और एलईडी वाले जब नीचे से ये जाएंगे तब आप इन बच्चों का फोटो एलईडी पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की प्राप्ति। ये आइस ज्यादा खोल रखी है क्या? शिव को पहचानना भगवान शंकर को जानना कठिन, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तिहार चिंता छोड़कर चिंतन की ओर बढ़े, आडंबर को छोड़कर दिखावे को छोड़कर अंधविश्वास को छोड़कर हम विश्वास की ओर शिव की ओर बढ़े। हम आडंबर में ना पड़े, हम अंधविश्वास में ना पड़े। हम क्यों भटके? किसी ने कह दिया ऐसा करना है, किसी ने कह दिया वैसा करना है, किसी ने कह दिया ऐसा करो, किसी ने कह दिया वैसा करो। सारी दुनिया का लेखा जोखा देख कर दिया, सारी दुनिया में हमने धोख लगा कर देख ली, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, सबको प्रणाम कर कर देख लिया, सबसे विनय कर कर देख लिया, और तो भी जब तुम्हारा काम ना बने, सब जगह से ठोकर खाकर आ जाओ, तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और मेरे बाबा की कथा में पहुंच जाओ। हर जगह से ठोकर खाने के बाद फिर आखिरी में कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंच जाना, सब जगह से ठोकर खाने के बाद आखिरी में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाना और विनय करना मेरे बाबा से, निवेदन करना मेरे बाबा से, दिल से उससे प्रार्थना करना, वो क्यों ना सुन। महाराज नीचे की अदालत और उस भोलेनाथ की अदालत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे, पर सत्य मायने में न्याय अदालत में होता है, कोर्ट में होता है, बहुत न्याय होता है, पर किसी जज को भगवान का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। दिया जाता है क्या? जज को भगवान कहा जाता है क्या? जम के बोलो जरा, जज को भगवान कहते हैं? पर हमारे यहां पर इस पवित्र भारत की भूमि पर, संस्कारों की इस धरा पर, सभ्यता और संस्कृति की इस धरा पर आज भी डॉक्टर को औषधि देने वाले को, डॉक्टर को आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी को प्राण दे देना, किसी को अच्छा आचर देना, एक न्याय अदालत में होता है, पर जज को भगवान नहीं कहा जाता।
क्योंकि जज को भगवान नहीं बोल सकते, पर एक अदालत और है मेरे शंकर की, एक अदालत और है मेरे त्रिकालदर्शी भगवान शिव की, एक अदालत और है मेरे राम की, एक अदालत और है मेरे कृष्ण की, एक अदालत और है मेरे दत्त की, एक अदालत है मेरे नारायण की, एक अदालत है मेरे श्री हरि की। उस अदालत में उसको परमात्मा भगवान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में पृथ्वी पर जो अदालत बनी है उसमें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, पर वो उसकी अदालत में जो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है कि उसने क्या न्याय करा। जब वो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है, पूरी दुनिया देखती है कि न्याय क्या करा गया। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, सारा संसार। वो अपनी अदालत में जब निर्णय करता है, जब वो अपनी अदालत में बोलना चालू करता है, जब वो अपनी अदालत में निर्णय देना प्रारंभ करता है तो सारा जमाना देखता है, सारा जमाना। थोड़ी धैर्य, थोड़ा मन में शीतल। एक पत्र है, राधा अशोक ऊंटवाल जिला नासिक मनवाड़ की रहने वाली हूँ। मैं मनवाड़ से यहाँ आई हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। राधा अशोक ऊंटवाल जिला नासिक मनवाड़ की रहने वाली हूँ। मुझे 30 मार्च 2023 को पेट में दर्द हुआ, जांच कराने मुझे अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि मुझे थर्ड स्टेज का कैंसर है, मुझे थर्ड स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने तुरंत मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय हमारे माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी को फरहान दादाजी के सहकार्य से मैं धन्यवाद देती हूँ आमदार जी को कि उन्होंने अपनी स्वयं की निधि से मेरा ऑपरेशन नासिक में करवाया, कैंसर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं वहाँ पर थोड़ी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद चेकअप करवाने के लिए तब डॉक्टर के यहाँ गई, शरीर में रोग फिर से बढ़ने लगा। जब शरीर में रोग बढ़ने लगा, मैं एक इस शब्द के लिए माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूँ, हम अपनी कथा में संजुमताई जी हम अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि बन सके अगर भगवान ने इतना बल दिया है तो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और किसी को किसी भिखारी के हाथ में रुपया देने से अच्छा है, किसी भिखारी को धन देने से अच्छा है उसको रोजगार की लाइन पकड़ाने का प्रयास किया जाए, उसको रोजगार की लाइन देने का प्रयास किया जाए। और मैं माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए, क्योंकि मनवाड़ क्षेत्र में आप MIDC कंपनी को लेकर आए हैं और उसके माध्यम से नवयुवक बेटा बेटी रोजगार पाएंगे, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता आपको देता हूं।
माननीय आमदार जी ने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन होने के कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन तक तो मैं ठीक रही, पर ठीक रहने के बाद मेरा शरीर वापिस दिक्कत देने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका शरीर कमजोर है, उसके कारण आपको केमोथेरेपी लेना पड़ेगी। केमोथेरेपी चालू होती है और शरीर में वापिस बताया गया कि कैंसर के स्टेज वापिस अणु फैलने लगे। हम क्या करें? तब हमने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार हम शंकर के मंदिर जाना चालू करे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 6 महीने तक हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसका आचमन करा। और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं कि आज डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आपको एक दवाई की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर पूर्ण तरह से ठीक हो चुका। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल चढ़ाते चढ़ाते रहो। भगवान अगर आपको इतना बलवान बनाया है ना, तो उसका सदुपयोग है किसी गरीब की औषधि कराना। गरीब की औषधि, कोई बच्चे पढ़ने में अगर होशियार हैं और उनको विद्या अध्ययन करना है, कोई बेटियां अगर पढ़ने में होशियार और विद्या अध्ययन करना, उनकी एजुकेशन करा, उसका कितना फल, कितना फल उसका प्राप्त होता है, कितना फल। शंकर पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, स्मरण, शिव के प्रति तुम्हारी विश्वास की जागरूकता और शिव के प्रति जागरूकता के साथ में आप डॉक्टर को दिखाओ। जैसे इस बहन ने लिखा, मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के कुछ दिन बाद वापिस मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहने लगे आपका कैंसर 3rd stage का है, शरीर में फैल रहा है, कीमो देना पड़ेगा, कीमो भी चालू करे। उसके बाद भी डॉक्टर कह रहा है कि थम नहीं रहा रोग। अब डॉक्टर का भी कहना मानना है, डॉक्टर की जांचें भी कराना, और कराओ, जरूरी है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसको साथ लेकर चलो और साथ में एक लोटा जल शंकर को समर्पित करते चलो, उसका फल जरूर प्राप्त हो, जरूर। शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी, शंकर की भजन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव स्मरण कभी खाली नहीं जाएगा, शंकर का नाम कीर्तन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाएगा। आप शंकर की भक्ति में अगर लगे हुए हो, शिव स्मरण में अगर लगे हुए हो, तो शंकर उसको खाली नहीं रख सकता। कभी मौका लगे जिंदगी में, कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, एक न्याय मेरा भगवान शंकर करता है। कैसा न्याय करेगा, कब न्याय करेगा, किस तरह से न्याय करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, समय के अनुसार करेगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा करना। फिर हमने कल छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था, परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों में अंतर है। परीक्षा लेना उसका काम है, प्रतीक्षा करना अपना काम है। परीक्षा लेना उसका कार्य है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना हमारा कार्य है। आप लोग शिरडी के पास में रहते हो, शिरडी आपके नजदीक में, उनके एक शब्द श्रद्धा और दूसरा क्या है, जम के बोलो जरा, सबूरी। सबूरी मतलब थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो,
दो महीना तीन महीना शंकर जी को जल चढ़ा लिया, भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, दो तीन महीना जल चढ़ाया और दो आ जाइए आ जाइए आ जाओ। आमदार जी आपको धन्यवाद, आज जो यहाँ दिख रही हैं आपने जो ऑपरेशन कराया उसके लिए आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुता। और मेरे बाबा तेरी नौकरी बढ़िया है सबसे, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना वो कात क्या सबसे बढ़िया ये सबसे खरी, भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, भोले बाबा को मना कर देख सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर देख सारे दुख मिट जाएंगे, शंभु बाबा को मना कर देख सारे दुख मिट जाएंगे, शंभु बाबा को मना कर दे ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे ओ डमरू वाले को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, डमरू वाले को मना कर दे सारे दुख ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ डमरू वाले को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, डमरू Thank you.
शिष भोले के गंगा विराजे, शिष भोले के गंगा विराजे, ओ शिष भोले के गंगा विराजे, शिष भोले जरा गोता लगा कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, जरा गोता लगा कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, डमरू वाले को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, डमरू वाले को सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना विराजे, कल भोले बाबा के सर्प विराजे, कल भोले बाबा के सांप विराजे, कल भोले बाबा के सांप विराजे, जरा दूध पिला के दे सारे दुख मिट जाएंगे, जरा दूध पिला के भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख ओ भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। Thank you.
हाथ भोले के डमरो विराजे, हाथ भोले के डमरो विराजे, ओ हाथ भोले के डमरो विराजे, हाथ भोले के डमरो विराजे, जरा डमरो बजा के दे सारे दुख, भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ए सारे दुख मिट जाएंगे, बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, ओ शंभो बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे, शंभो बाबा को सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख हारे भगवान देवती ने महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से आनंद के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। आज श्राद्ध पक्ष की पितृ पक्ष की मासिक शिवरात्रि, बाबा को अपने मन की बात दिल से प्रार्थना कर कर बोलो। श्राद्ध पक्ष के आज शिवरात्रि का दिन और सोमवार का दिन है, बड़े भाव से जहां बैठे हो वहां से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे साथ में उच्च स्वर में तुम्हारी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे, भाव से बाबा से प्रार्थना करो, दिल से करो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आज श्राद्ध पक्ष की पितृ पक्ष की शिवरात्रि है, दिल से बाबा से प्रार्थना करना, जिससे देवाधिदेव महादेव आपके सब कार्य सफल करें, आपके हृदय में भक्ति का संचार करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, भोला सब दुख काटो ओ भोला, शिव शंकर जगु तेरी माया, भोले बाबा जगु तेरी
माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदत्त महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर लेकर जाते हैं। चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर लेकर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहती है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि जिस समय देवता और राक्षस मिलकर, देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे थे समुद्र का, उस मंथन में जो विष निकला था, वो विष निकलने से बड़ी चिंता व्याप हो गई, बहुत चिंता। जब विष निकला तो बड़ी चिंता व्यापी, किस बात की चिंता व्यापी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब देवता और असुरों ने मिलकर, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन करने पर विष निकला तो चिंता व्याप गई। कौन सी चिंता थी? बहुत सावधानी से सुनिए, आज शिवरात्रि की कथा है। बाबा देवदत्त महादेव, आप सभी जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा शंकर मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली खुशियों से भरकर भेजे, इस भाव से आप कथा श्रवण करें। जब मंथन हुआ और समुद्र का मंथन जब किया गया, उस मंथन में विष निकला और विष निकलने पर चिंता व्याप गई। चिंता व्याप, किस बात की चिंता? किस बात की चिंता करना? आप लोग कथा में आए हो, घर से चले होगे, तब मन में आया होगा कि हम कथा में जा रहे हैं, हम कथा में पहुंचेंगे, कहां बैठूंगी, कहां जाऊंगी, कहां पर कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहां बैठेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, चिंता व्याप रही है। चिंता व्याप, चिंता व्याप रही है, चिंता। अब चिंता व्याप रही है तो चिंता इतनी व्यापने लगी कि हम कहां बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। पर अगर हमने चिंता को छोड़कर भगवान शंकर के ऊपर पूर्ण भरोसा किया है, विश्वास किया है, और यह भरोसा हमने अपने अंदर ले लिया है कि मैं जाऊंगी कथा में, और कथा में जाऊंगी तो मेरा बाबा कहीं ना कहीं तो बिठा है, मेरा बाबा हाथ पकड़कर लेकर जाएगा, कथा सुनाएगा, मेरी झोली खुशियों से भरेगा। मतलब चिंता को त्याग कर तुम चिंतन में लग गए, और चिंतन में लगे तो मेरे देवदत्त महादेव ने तुम्हारी झोली भर दी। बड़ी अब विष निकला, और विष निकलने पर, जब विष निकला तो विष निकलने पर बड़ी चिंता व्यापी। विष निकलने पर बड़ी चिंता व्याप गई कि इस विष का हम करें क्या। समुद्र में अगर विष डाल देते हैं तो समुद्र में जितने जीव हैं सब मर जाएंगे, समुद्र की भाप उड़ेगी, उस भाप बादल को लेगी, बादल उसी विष को नीचे पटक देंगे, नीचे पटकेंगे सारे जीव मर जाएंगे,
विष का करें क्या, पृथ्वी को अगर विष देते हैं तो इसमें जो फल उगेंगे, वृक्ष उगेंगे, अन्न उगेगा, वो सारा जहरीला हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इस विष का करें क्या, इस विष को हम ना जल में दे सकते हैं, इस विष को ना हम पृथ्वी को दे सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं फेंक सकते हैं, इस विष को ना हम पी सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं ले जा सकते हैं, इस विष का हम करें तो करें क्या। आखिर इस विष का करें क्या। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, एक सेठ जी की दो लड़कियां थी, सेठ जी की दो लड़कियां थी, एक का नाम था नानी, दूसरे का नाम था दानी। दो बेटियां थी सेठ जी की, नानी और दानी, और दोनों शंकर की भक्त, दोनों शिव की भक्त। सुबह उठती, हाथ में जल का पात्र लेती और दौड़ पड़ती शिवालय की ओर, शंकर जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा देती। आप लोग अभी देखते होंगे, आप लोगों को खुशी भी होती होगी, मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि नांदगांव वालों, आप लोगों को प्रसन्नता भी होती होगी। क्या देखकर, जब आपके मोहल्ले के, आपकी सोसाइटी के, आपकी कॉलोनी के, आपके क्षेत्र के कोई छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे आसपास के बच्चे दौड़ दौड़ कर जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होंगे तो तुम्हें प्रसन्नता तो बहुत होती है, तुम्हें खुशी तो होती होगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के आसपास के बच्चे एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं। और प्रत्येक शिव मंदिर, आज के समय का प्रत्येक शिवालय बड़ा देवदिद महादेव की कृपा से, शंकर भगवान के गुणगान से और शिव कृपा से सारे शिवालय आज के समय में, सब पुराने से पुराना शिवालय हो चाहे नया से नया शिवालय हो, सब पूर्ण तरह से स्वच्छ, सुंदर और अच्छे बनते चले जाए। आपके क्षेत्र को देख लो, ये नांदगांव जिसका नाम है नांदगांव, ये नांदगांव नाम किसके बल पर है, नांदेश्वर महादेव के बल पर, नांदेश्वर महादेव के बल पर। इसी नांदगांव के पास में आ जाता है पिनाकेश्वर महादेव, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं, फिर भी मेरे देवदिद महादेव की कृपा आपके क्षेत्र के आमधार जी पर हुई और उन्होंने वहां पर ऊपर जाने का रास्ता बनवाया और भगवान देवदिद महादेव की कृपा से आज शिव भक्त उस मार्ग पर जा रहे हैं। शिव कृपा, ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए, ये भगवान शंकर का मंदिर बनवाने के लिए, शंकर के मंदिर को निर्माण करने के लिए, शंकर के मंदिर की रोड बनाने के लिए, शिवालय जनमानस में 55 साल तक जल नहीं था, जल लाने के लिए या कोई अच्छा कार्य करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता है। भगवान शंकर अपना ही किसी गण को भेज देता है जो इस रूप में काम करता है और कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य कर रहा है। कल हमारी बात चल रही थी, वो भैया जी के भतीजे जी से, तो हम उनसे कह रहे थे तुम्हारे क्षेत्र में शंकर जी के बहुत सारे मंदिर बन गए होंगे अब तो वो बोल रहे थे कि गुरुदेव अन्ना जी, पूरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि शिवालय बनना है, शंकर का मंदिर बनना है या देवालय बनना है, तो ऐसा कोई गाँव खेड़े का व्यक्ति नहीं होगा जो वहां आए और कहे और उसका मंदिर ना बनता हो। शिवालय बनता ही बनता है, बनता ही। क्या करा था माता अहिल्याबाई ने, महाराष्ट्र की बेटी मां अहिल्याबाई होलकर मालवा की महारानी बनी थी,
और आज पूरा विश्व जानता है वह अहिल्याबाई होलकर की चरित्र को, आज पूरा विश्व जानता है अहिल्याबाई होलकर की कथा को, उनके वर्णन को। क्या करा था उन्होंने? केदारनाथ का मंदिर छिन्न हो गया, केदारनाथ का मंदिर बनवा दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो मंदिर छिन्न हो जाता था उस मंदिर पर पहुंच जाती थी। और जाने दो, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर छिन्न हो गया तो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी अहिल्याबाई होलकर आगे देकर बनवा देती है। 12 ज्योतिर्लिंग, भारत की भूमि के कई मंदिर हैं जो महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर जन्मी हुई मां अहिल्याबाई होलकर अपने बल से, अपने आनंद से मंदिर का निर्माण करवा देती है। मंदिर का चिन्ह, मंदिर को श्रेष्ठ बना। और कितना साथ दिया भगवान शंकर ने। लोग कहते हैं मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा। हमारा शास्त्र कहता है, वेद और पुराण कहती है, जिस क्षेत्र में मंदिर निर्माण होता है समझ लेना उस क्षेत्र में सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता का निर्माण होता है, उच्च संस्कृति का निर्माण होता है, उच्च सभ्यता का निर्माण होता है, उच्च संस्कार का निर्माण होता है। मां अहिल्याबाई होलकर ने जब मंदिरों का निर्माण करा, अपने हाथ में शंकर का शिवलिंग लेकर चलती थी। किस किस ने दर्शन करे अहिल्याबाई होलकर जी के, माता अहिल्याबाई होलकर के फोटो का दर्शन कराए, चित्र का दर्शन कराए, मूर्ति का दर्शन कराए, कराए आप लोगों ने? क्या रहता था उनके हाथ में, जम के बोलो जरा, शंकर का शिवलिंग अपने हाथ में लेकर चलती थी और हाथ में। और जब उनका पत्र किसी राजघराने में जाता था तो उस पर मां अहिल्याबाई नहीं, उस पर लिखा होता था शिव का आदेश। मां अहिल्याबाई के पत्र पर लिखा रहता था शंकर का आदेश, शिव का आदेश। युद्ध के मैदान में मां अहिल्याबाई होलकर को मालवा के उस क्षेत्र में चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, अहिल्याबाई होलकर अकेली बीच में अपनी सेना के साथ थी। सैनिकों के सरदार से पूछा, सेनापति से पूछा, क्या बात है आज घबरा क्यों रहे हो? सेनापति कहता है, मां अहिल्याबाई होलकर से, मां उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों तरफ से राजाओं ने आक्रमण कर दिया और अपन बीच में है, बीच में, बीच में। हां, मां अहिल्याबाई होलकर ने पूछा तो घबराहट किस चीज की है, टेंशन क्यों? दुनिया टेंशन देती है, शिव मेंशन देते हैं। दुनिया टेंशन देगी, शंकर मेंशन देंगे, चिंता क्यों, किस लिए? किस बात के लिए, क्यों? सेनापति ने कहा, मां चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है, मां चारों तरफ से सेना है और बीच में अपन है। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चारों तरफ से सेना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। चारों तरफ से सेना लेकर वो आए, उस सेना के पीछे चारों तरफ मेरा शिव विराजमान है, मेरा शिव। एक तरफ सोमनाथ है, दूसरी तरफ जाओ केदारनाथ है, तीसरी तरफ जाओ नागेश्वर, चौथी तरफ देखो तो रामेश्वरम। तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां चले जाओ, तुम्हारी जहां मर्जी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चार पीठों का निर्माण कर हमारे सनातन धर्म की रक्षा करी है, शिव को बिठाकर। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, सेना जितनी है उनसे कहना चिंता ना करे, अगर चारों तरफ से सेना आ रही है तो उनके पीछे भी शंकर खड़ा हुआ है, टेंशन मत लेना, अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, युद्ध की तैयारी करी जाए। चारों तरफ से सेना की तैयारी करी गई, चारों तरफ सेना की तैयारी करी गई और माता अहिल्याबाई से कहा गया, आप किस ओर लड़ोगी,
माहिल्याबाई होलकर आप किस ओर से लड़ोगी? आप उत्तर जाओगी, दक्षिण जाओगी, पूरब जाओगी, पश्चिम जाओगी, आप किस ओर से लड़ोगी? माहिल्याबाई होलकर ने कहा, कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? नंदी पर बैठकर वो लड़ेगा, मैं तो खड़ी खड़ी देखूंगी। माहिल्याबाई होलकर कहती है, कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शंकर, लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शिव, मैं तो केवल खड़ी खड़ी देखूंगी। अभी तक हमने शंकर की आराधना करी है, अब देखना है कि शंकर हमारे लिए क्या करता है। विपदा की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, दुख की घड़ी में ही मालूम पड़ता है कि तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया वो शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा, और हमारा कल्याण करा कि नहीं करा। क्यों घबराना? इसलिए घबराना, क्या सोचना, क्या विचार करना, क्यों घबराएं? हम शिव के अधीन होकर चलिए, हम शंकर के अधीन होकर चले।